वंदे वंदे केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, विधानसभा उपचुनाव में बरसर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, पूर्व मंत्री एवं मान्य विधायक श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, मान्य विधायक श्री त्रिलोक जामवाल जी, मान्य विधायक आशीष शर्मा जी, जिलाध्यक्ष समीरपुर श्री देशराज शर्मा जी, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा जी, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री जी, पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान जी, पूर्व विधायक श्रीमती उर्मिल ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश कुमारी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित हमीरपुर और बरसर से जुड़े हुए मेरे सभी बहनों और भाइयों, माता चित्तपूर्णी, माता नैना देवी, किस कृपा भूमि और सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये देवभूमि है और वीर भूमि भी। हम लोग यहां चुनावी सभा में हैं और देवभूमि इसलिए पिछले ढाई महीने से हम लोग उत्तर भारत में या देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। भीषण गर्मी है, कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था, गोरखपुर और उसके आसपास का 48 डिग्री था, लेकिन जब मैं हिमाचल में आज सुबह आया, कितना सुहावना मौसम था यहां का। यहां के मौसम से ही यहां की प्रकृति की जो कृपा है, परमात्मा की जो कृपा है, वह हरेक व्यक्ति को न केवल आरोग्यता प्रदान करता है बल्कि देवत्व का साक्षात आभास भी करा देता है। और आज आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह इस बात को साबित कर रहा है जो आपने अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी के समर्थन में अपना उत्साह दिखाया है। यह उत्साह साबित करता है कि जो देश की आवाज है, पूरे देश का जो नारा है, इसके साथ हमीरपुर भी और हिमाचल प्रदेश भी है। और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार तो 400 पार में हिमाचल की चारों सीटें भी हैं, है ना। बहनों और भाइयों, जब पत्रकार पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जवाब जनता जनार्दन देती है। जनता जनार्दन की ओर से जवाब जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं। और दूसरा जनता कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और अयोध्या में राम मंदिर में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूरा देश, पूरी दुनिया प्रफुल्लित थी। जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, अभिभूत था, अभिभूत इस बात के लिए था
कि अपनी आंखों से अपने रामलला को, भगवान रामलला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक जगह लोगों में शोक की लहर भी थी और वह थी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी मौन थी, कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या का आमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने कहा, आज भी कांग्रेस के बुद्धिदाता कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। इनके सहयोगी कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। हमने कहा भाई, राम मंदिर का निर्माण तो श्रद्धालुओं की उपस्थिति बताती है कि अच्छी हुई है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए तुम राम मंदिर को बेकार कह रहे हो। बहनों और भाइयों, हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। एक नया भारत दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है और मोदी जी की ओर देखती है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ रुक गई, समाप्त, और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद भी देश के अंदर समाप्त। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो कहीं आतिशबाजी करते हुए पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एक सुरक्षित हिंदुस्तान। आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने वाला हिंदुस्तान। और विकास के बड़े बड़े कार्यों के बारे में यहां अनुराग जी ने बताया, हिमाचल प्रदेश के बारे में। पूरे देश के अंदर अगर आप जाएंगे, 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे, रेल में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत की ट्रेन, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, एम्स। मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा अनुराग जी का और नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की स्थापना कर दी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। बहनों और भाइयों, आज ट्रिपल आईटी भी अनुराग जी यहां लेके आ गए। आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके यहां बन चुकी है। बहनों और भाइयों, कैसे विकास होना चाहिए और कैसे विरासत का सम्मान होना चाहिए मॉडल देखना हो तो अनुराग जी ने भी यहां बनाया और देश के अंदर भी मॉडल आज आपको देखने को मिल रहा है। और हम लोग तो यूपी में कहते हैं अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, अयोध्या और काशी का काम संपन्न। अब हम लोग मथुरा की तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आया हूं आपके पास मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखते होंगे सरकार सम्मान भी कर रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास भी करा रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दे रही है, विरासत भी है, विकास भी है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी है। ये भानुमति का पिटारा है, जितने दल हैं उतने ही खेमे हैं। कांग्रेस के साथ जितने सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, हर राज्य में इनके यही हाल है। एक केवल इनका मुखौटा है गठबंधन, सच्चाई तो इनकी ये है
जब ये स्वयं एक नहीं हो सकते हैं तो देश को क्या ये एकजुट कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, इनका घोषणा पत्र तो अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, आपको लगेगा कांग्रेस का घोषणा पत्र यह देश के सबसे प्राचीन सबसे पुराने राजनीतिक दल का नहीं बल्कि यह किसी मुस्लिम लीग का संस्करण इनके साथ आ गया है और मुस्लिम लीग का दस्तावेज कांग्रेस आज प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब, पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुपक के रहना पड़ेगा। कांग्रेस के मित्रों को मैं सलाह देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए भी उनको चेतावनी भी देना चाहता हूं, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरिया कानून से और किसी पर्सनल कानून से भारत नहीं चलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को बांटेंगे। इन्होंने किया, याद करिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसने ओबीसी का आरक्षण वहां पर मुसलमानों को बांट दिया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी इसने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार में भी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दे सकें। जस्टिस सच्चर कमेटी इन्होंने इसलिए बनाई थी जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को मुसलमानों को दिया जा सके। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अनुराग सिंह ठाकुर जी उस समय सांसद थे, हम लोगों ने संसद में पुरजोर विरोध किया था कांग्रेस का। हम लोगों ने कहा था कि हम कांग्रेस की मंशा को सफल नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, आज अपनी घोषणा पत्र में फिर वे कहते हैं, फिर वे इसी बात को कहते हैं। आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी से किसी ने पूछा सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा गरीबी हटाएंगे। दादी ने नारा 1970 में दिया था, 54 वर्ष के बाद भी नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। आप सोचो, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में कहा था गरीबी हटाने का नारा, लेकिन 54 वर्ष के बाद भी कांग्रेस वही नारा दे रही है। जब पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, कहा एक झटके में हटा देंगे। कहा एक झटके में का मतलब, कहा सभी भारतीयों की प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। एक्सरे करा करके सर्वे होगा और फिर उनके बाप दादों ने, ग्रैंडफादर फादर मदर ने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आधी प्रॉपर्टी ये लोग आपसे ले लेंगे और आधी प्रॉपर्टी लेकर के पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों में उसको बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हमीरपुर इसको स्वीकार करेगा? क्या अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का और डकैती डालने के लिए कांग्रेसी कहां से आ जाएंगे? क्या आप इनको डकैती डालने की छूट देंगे? क्या बहन और भाइयों, कांग्रेस का यह वरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। और मैंने इसीलिए कहा ना, इनका घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग आ गई है क्योंकि औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। अब ये कह रहे हैं कि हम जजिया कर लगाएंगे, वरासत टैक्स के नाम पर जजिया कर लगाएंगे। औरंगजेब बहन और भाइयों, मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है।
काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर इसी दुष्ट ने तोड़ा था, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर इसी दुष्ट ने तोड़ा था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल के अंदर बंद कर दिया था, और उसका बाप सांझा के बारे में अगर पढ़ना है, पटना की खुदा भक्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़िए, सांझा कहता है कि दुष्ट कमबख्त औरंगजेब, तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो, तूने जीते जी एक एक बूंद पानी के लिए मुझे तरसाया है। अरे तुझसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये औरंगजेब की आत्मा जिसने जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, जजिया कर कहता था हिंदुओं को यार जजिया कर दो नहीं तो मुसलमान बनो, आज ये औरंगजेब की आत्मा इस कांग्रेस के अंदर घुस गई है। क्या औरंगजेब को आप जिंदा होने देंगे? क्या कतई नहीं जिंदा होने देना है औरंगजेब को। बहनों और भाइयों, औरंगजेब को कतई स्वतंत्र भारत में हम जिंदा नहीं होने देंगे, वह जहां मिट चला है वहीं उसको दफन रहने देंगे। बल्कि औरंगजेब के नाम पर अगर कोई औरंगजेब को अपना आदर्श बांध करके चलेगा तो सामने बुलडोजर उसी के लिए खड़े हैं, उसको इसी ढंग से दफन करने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। इस लाइन का अर्थ बहुत गंभीर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर है। खान पान बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का एक हो सकता है, जो कुछ आप खाते होंगे रोटी सब्जी दाल चावल वही वो भी खाते होंगे, पकवान आप भी बनाते होंगे वो भी बना सकते हैं खा सकते हैं, एक जगह में आके बात ठहरती है। जब कोई मुसलमान कहता मैं गौ हत्या करूंगा गौ मांस खाऊंगा, हिंदू अड़ जाता है, कहता नहीं जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी। क्या आप कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे? क्या कांग्रेस को गौ हत्या करने की छूट देंगे क्या? अरे मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सौभाग्य आपके साथ जुड़ा है, आज आप में से हर व्यक्ति, आपने अनुराग जी को पिछली बार 4 लाख वोट से जिताया था, ये जिताते दिखाता है हमीरपुर का एक एक व्यक्ति अनुराग जी को वोट दिया था, प्रत्येक व्यक्ति अनुराग जी के समर्थन में खड़ा हुआ था। इसका मतलब अनुराग जी को जाने वाला वोट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में हमारी ताकत बना था। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो सौभाग्य आपके साथ जुड़ा है और जो पुण्य आपके साथ जुड़ा है, कांग्रेस को वोट देके जो गौ हत्या कराएंगे, ये गौ कसी कराएंगे, ये पाप हम अपने सिर के ऊपर कतई ना लें। अरे आप तो सौभाग्यशाली हैं। आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर मोदी जी के कैबिनेट का एक स्मार्ट चेहरा जब भारत के विकास को ब्रीफिंग करने के लिए उतरता है, वह कोई और नहीं आपका सांसद अनुराग ठाकुर होते हैं। विकास की एक एक योजना के बारे में देश को बताने का काम करते हैं। याद करिए, जिस महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व कभी अडवाणी जी ने, कभी सुषमा स्वराज जी ने, कभी अरुण जेटली जी ने जिस दायित्व का निर्वहन किया था, उस दायित्व का निर्वहन आज देश के सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में अनुराग सिंह ठाकुर कर रहे हैं। और साथ साथ युवा है तो युवा जैसा जोश और युवा जैसा खरोश भी होगा ही होगा ना। आप मुझे बताओ,
एक कांग्रेसी जीवन भर ओलंपिक में कॉमनवेल्थ में एक टीम भेजते रहे, लेकिन अनुराग जी मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप जब से युवा और खेल मंत्री बने हैं भारत सरकार के, आपने देश में युवाओं के अंदर जो जोश पैदा किया है, भारत की टीम ओलंपिक में अब तक की सर्वाधिक मेडल जीत करके आई है, पैरा ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीत करके आई है और कॉमनवेल्थ में भी सर्वाधिक मेडल जीत करके आई है। बहनों और भाइयों, अनुराग जी ने तो यहां हमीरपुर में तो जगह जगह स्टेडियम बना दिए, लेकिन पूरे देश के अंदर भी वो बना रहे हैं। हर जिले में इन्होंने खेल का एक सेंटर स्थापित कर दिया, खेलो इंडिया सेंटर स्थापित कर दिया है, हर जिले में कर दिया है। और जब उन्होंने जिले में किया तो उत्तर प्रदेश में मैं उसको ब्लॉक स्तर पर लेकर के चला गया। स्टेडियम हर जगह, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम। युवा के बारे में सोचने वाला व्यक्ति युवा है तो युवा के बारे में सोचेगा, और उन्होंने किया, अभूतपूर्व कार्य हुआ जो कभी 70 वर्ष में नहीं हुआ, और 5 वर्ष में अनुराग जी ने करके दिखा दिया है कि हिमाचल का बेटा केवल हिमाचल के लिए नहीं, भारत का बेटा बनकर के कार्य कर रहा है, हिमाचल का नाम रोशन कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज देश इसको देखता है, अनुभव करता है। अब भारत की टीम दुनिया के अंदर सर्वाधिक मेडल जीतने वाली टीमों में से एक है, चाहे वह ओलंपिक हो, चाहे वह पैरालंपिक का हो, चाहे वह कॉमनवेल्थ का हो, चाहे वह एशियाड का हो। और अनुराग जी के नेतृत्व में तो भारत ने तय कर लिया है 2036 में ओलंपिक भी हम भारत के अंदर कराने की तैयारी करा रहे हैं। आप सोचो, जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था, आज भारत उसको कर रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ इस प्रकार का सांसद विकास भी करा रहा है, युवाओं के साथ खेलता भी है और उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। जब हमारा युवा खेलेगा तो वह खेलेगा, और जब खेलेगा तो भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में अपना योगदान देगा। खेलेगा तो नशे से दूर रहेगा, खेलेगा तो नशे से दूर रहेगा, और नशे से दूर रहेगा तो परिवार को भी बनाएगा, हिमाचल को भी बनाएगा, और भारत को बनाने में भी अपना योगदान देगा। ऐसा ही तो सांसद होना चाहिए, ऐसा ही तो सांसद होना चाहिए। और मैं तो अभी आया था हिमाचल, अभी देखा मैंने पहाड़ में जगह जगह आग लगी है। ये आग केवल जंगल की आग नहीं है, हिमाचल के विकास को कांग्रेस के द्वारा लगाई गई आग है। ये कांग्रेस देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बहनों और भाइयों, ये देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये राम का विरोध करती है, भारत के हितों का विरोध करती है, आतंकवादियों और माफियाओं के साथ सांठगांठ रखती है। निर्दोष लोगों के प्रति इनकी संवेदना नहीं, इनकी संवेदना तो भारत विरोधी ताकतों के साथ में है। जब कश्मीर में धारा 370 हटती है तो इनकी संवेदना भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है। ये सारा पाप तो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। संविधान के बारे में तमाम प्रकार की गलतफहमी, अफवाह ये लोग फैला रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? संविधान का गला घोंटने का काम 1952 हो या 1975, यह कांग्रेस ने ही किया है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कहने के लिए कि आप अनुराग जी को जिताएंगे, कोई संदेह नहीं। हमीरपुर सीट हम जीतेंगे, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं रहा भाई बहनों भाइयों। लेकिन जीत रिकॉर्ड मात्रा में वोटों के साथ होनी चाहिए, इसके लिए मैं आया हूं आपके पास। रामलला के यहां से मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। एक मैंने कहा अपने हमीरपुर वासियों को, जाकर के सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी की कृपा भूमि को, माता चित्तपूर्णी की कृपा भूमि को, माता नैना देवी की पावन धरा को नमन भी कर लूंगा,
और आपको आमंत्रण भी दूंगा कि आप भी अब नई अयोध्या में दर्शन करने के लिए आइए। और इसके लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के उपचुनाव बरसर में से इंद्रदत्त लखनपाल जी को भी अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस जो विकास की बैरियर बनी हुई है, एक कांग्रेस जो भू माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, इन सब का सहभागी बनकर के हिमाचल के देवत्व के भाव को धूमिल करना चाहती है, वीर भूमि के वीरत्व को कमजोर करना चाहती है। अब उस कांग्रेस से पिंड छुड़ाने की आवश्यकता है, फिर यहां पर भी बीजेपी की सरकार बने, इसके लिए इंद्रदत्त लखनपाल जी का यहां से विधायक बनना भी आवश्यक है। और मैं यही अपील करने के लिए आज आपके पास आया हूं। आप सौभाग्यशाली हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर जैसा सांसद आपके पास है। एक वोट कैसे किसी क्षेत्र की तकदीर को बदल देता है, कैसे एम्स भी, ट्रिपल आईटी भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, अपने पूज्य पिता की तर्ज पर उन्होंने विकास का एक मॉडल हिमाचल को बनाया है। याद करिए, जब सरदे प्रेम सिंह कुमार धूमल जी जब हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे, तब कोई सोचता नहीं था इस पहाड़ी राज्य में कि पानी पहुंचेगा हर घर हर गांव तक। उन्होंने उस समय यहां पर हर गांव हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया था। मैं पिछली बार सुन देख रहा था, बरसात के समय एक प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल में काफी नुकसान हुआ। कारण था, यहां पर कांग्रेस नेतृत्व ने खूब दोहन किया। प्रेम कुमार धूमल जी ने इसी हिमाचल में नदियों को चैनलाइज करने का काम किया था। उस समय नदियों को चैनलाइज करने का काम किया था। अगर वही मॉडल आगे बना होता बहनों और भाइयों, तो यहां पर इस त्रासदी का सामना हिमाचल वासियों को नहीं करना होता। लेकिन बहनों और भाइयों, देर आए दुरुस्त आए, हमें फिर से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और मोदी जी के नौ रत्नों में से एक जो भारत के अंदर भारत का एक फेस है, विकास का एक फेस है, युवा ऊर्जा का फेस है, ऐसे हमीरपुर के सांसद और फिर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बनाएंगे ना। आज चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा है, कल एक दिन का समय मिलेगा, परसों मतदान करना है। आप में से कितने लोग हैं जो आज सभा के बाद और कल सायंकाल तक का समय देश के लिए देने के इच्छुक हैं? पूरा हिमाचल ही देगा, क्योंकि हिमाचल तो वैसे भी देवभूमि है, वीर भूमि भी है। मेरी आपसे अपील होगी, और ये मोदी जी का संदेशा भी है, आप में से हर व्यक्ति 25-25 घर में जाकर के एक दिन का पूरा समय निकाल करके 25 घर में जाइए, प्रत्येक परिवार से कहिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है, इसके लिए अनुराग सिंह ठाकुर को लेके आना है, रिकॉर्ड वोटों से जिता के भेजना है। और साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए यहां पे भी सरकार बने, इंद्रदत्त लखनपाल जी को भी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता के भेजना है। जिता के भेजेंगे भेजेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अयोध्या कितने लोगों ने दर्शन किया है? अभी नई अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद, और मैं अनुराग जी से कहूंगा चुनाव के बाद कोई उपयुक्त समय निकाल करके इन लोगों को अयोध्या का दर्शन करवाइए, वहां की पूरी व्यवस्था फिर हम लोग देख लेंगे। करेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं इधर? सभी लोग तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम,
जय जय श्री राम।